हेलो सुपर इन्वेस्टर्स, बात करेंगे ऐसे स्टॉक के बारे में जिसका क्वार्टर थ्री का रिजल्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी अच्छा आया है। प्रॉफिट 10 times बढ़ा है ईयर ऑन ईयर। और ये शेयर आने वाले दिनों में ज़बरदस्त तेज़ी दिखा सकता है। ये कंपनी है इंफ्रासेक्टर की, जो कि रोड, ब्रिजेस, पोर्ट्स बनाने का काम करती है। इस कंपनी के बारे में बताने के पहले आपको बता दूं, अगर आपको कल के लिए चाहिए होगा जैकपॉट शेयर तो मुझे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो 9545850000 इस नंबर पर, जो कि आपको 1 day से 10 days में 10% का प्रॉफिट दे सकता है। आज भी तो जैकपॉट शेयर थे, दोनों भी अपर सर्किट में क्लोज हुए डिस्पाइट ऑफ बैड मार्केट। ये जो कंपनी का आज का रेट था 71 रुपये 60 पैसा, 52 week हाई भी था 71 रुपये 60 पैसा, ज़बरदस्त तेजी दिखा रहा है ये शेयर, क्योंकि रिजल्ट ही ऐसे आए हैं। इस कंपनी का पी है 16 का, ईपीएस है 4.30 का, डेट टू इक्विटी रेशियो है 0.80, सभी काफ़ी अच्छा है। प्रोमोटर होल्डिंग भी स्ट्रांग है 74%, FII DII का कोई होल्डिंग इसमें नहीं है। बात करेंगे इसके रेवेन्यू की। सबसे पहले December 2021 में रेवेन्यू था 28 करोड़, September 2022 में था रेवेन्यू 72 करोड़, एंड December 2022 में बढ़कर हो गया है 98 करोड़। रेवेन्यू अच्छा बढ़ा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें, जिसको मार्केट काफ़ी कीनली ऑब्जर्व करता है, December 2021 में ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन था 16%, September 2022 में घटकर हो गया था 2%, एंड December 2022 में ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बढ़कर हो गया 18%। 16%, 2% एंड 18%, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में अच्छा खासा बढ़ा है। बात करेंगे इसके नेट प्रॉफिट की। December 2021 में नेट प्रॉफिट था 1,47,00,000 रुपीज़। September 2022 में नेट प्रॉफिट था 62 लाख रुपीज़, एंड अभी December 2022 में नेट प्रॉफिट आया है 9,98,00,000 रुपीज़, मतलब 10 करोड़ समझ लीजिए आप। तो मैं फिर से रिपीट करता हूँ, 1,47,00,000 रुपीज़, 62 लाख रुपीज़ एंड 10 करोड़ रुपीज़। ज़बरदस्त जंप है नेट प्रॉफिट में, रेवेन्यू भी बढ़ा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बढ़ा है। कंपनी का नाम है आर के ई सी प्रोजेक्ट्स लिमिटेड कंपनी का नाम है, जिसको आप बाय कर सकते हो। आने वाले दिनों में 2 to 3 months में ये शेयर आपको 100 से 140 के लेवल भी दिखा सकता है, जो कि अभी करंट मार्केट प्राइस से भी काफ़ी हाई टारगेट्स इसके हो सकते हैं। आप जानते हो बजट में भी इंफ्रा के ऊपर काफ़ी फोकस रहने वाला है, उसके कारण भी इस शेयर में काफ़ी तेज़ी देखने को मिलेगी। कंपनी को नए नए प्रोजेक्ट्स मिलेंगे तो शेयर और भी भाग सकता है, तो इस शेयर को आप अभी भी बाय कर सकते हो। हालांकि आज अपर सर्किट में क्लोज हुआ है तो एमओ ऑर्डर लगाकर भी बाय कर सकते हो, या डिप का वेट करके डिप में भी बाय कर सकते हो। थैंक यू फ्रेंड्स।